मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में एक बड़ा कदम उठाते हुए एक देश एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस योजना को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे थे। कैबिनेट की बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा की गई और इसके साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया है। एक देश एक चुनाव की अवधारणा भारतीय राजनीति में लंबे समय से चर्चा में है। 2 सितंबर 2023 को इस संबंध में एक विशेष समिति का गठन किया गया था जिसमें विशेषज्ञों और राजनीतिक दलों से राय ली गई। समिति ने 191 दिनों की गहन चर्चा के बाद 18,626 पन्नों को रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी जिसमें चुनाव सुधारों को लेकर विभिन्न सुझाव दिए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर घोषणा की थी कि इस कार्यकाल में एक देश एक चुनाव को लागू किया जाएगा। बीजेपी के पिछले लोकसभा चुनाव में मैनिफेस्टो में भी इसे प्रमुख मुद्दा बनाया गया था। सरकार का मानना है कि इससे चुनावी खर्च कम होगा और सरकारें अपनी कार्यकाल में बेहतर तरीके से काम कर सकेगी। समिति की रिपोर्ट में सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़कर 2029 तक करने का सुझाव दिया गया है ताकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सके। इसके अलावा हंग असेंबली और अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में चुनाव कराने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट में चुनाव के तीसरे चरणों में आयोजित करने का सुझाव दिया गया है जिससे प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्थाओं को सही तरीके से लागू किया जा सके। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे जबकि दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। तीसरे चरण में कुछ राज्यों में विशेष परिस्थितियों में चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग के लिए एक ही वोटर लिस्ट तैयार करने और सुरक्षा बलों की योजना एडवांस में बनाने की सिफारिश भी की गई है। एक देश एक चुनाव से देश भर में चुनाव की बार बार होने वाली प्रक्रिया से निजात मिलेगी जिससे विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। इससे राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल भी स्थापित हो सकेगा। हालांकि इसका विरोध में कुछ राजनीतिक दलों ने कहा कि राज्यों के अधिकारों में कटौती हो सकती है जिसे ध्यान में रखकर और चर्चा की जरूरत है।